नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही चौहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया क्या करे, आज एक सवाल पैदा हो गया है। मीडिया पे लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाई आप गोदी मीडिया हो गए हैं, आप बीजेपी के लिए बोलते हैं, आप मोदी के लिए बोलते हैं, आप विपक्ष के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन विपक्ष कुछ ऐसा करे तब तो हम विपक्ष के लिए बोले। हम सबसे ज्यादा मीडिया चाहती है कि देश में एक स्वतंत्र मीडिया रहे, एक स्ट्रांग विपक्ष रहे। लेकिन अगर विपक्ष ही स्ट्रांग नहीं होना चाहे, विपक्ष ही डर जाए चुनाव से, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही चुनाव से डर के घूमता फिरे, तो मीडिया क्या करेगा। आइए आज एक बड़ा भारी मन से इस डिस्कशन को मैंने रखा है कि क्या राहुल गांधी डर गए, क्या राहुल गांधी अमेठी से डर गए, यूपी की जनता से डर गए, अमेठी की जनता से डर गए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, बीजेपी से अविरल मलिक जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से ऋषभ अत्री जी हैं, राजीव खुराना जी इंटेलेक्चुअल हैं और सत्य प्रकाश जी हाई कोर्ट के लॉयर हैं और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, हम मीडिया वाले चाहते हैं कि एक स्ट्रांग विपक्ष रहे, लेकिन स्ट्रांग विपक्ष होने के लिए सामने में एक स्ट्रांग विपक्ष का नेता भी होना जरूरी है। आज हम क्यों अरविंद केजरीवाल को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे मोदी को टक्कर दिया, वो सीधे बनारस पहुंच गए मोदी से लड़ने के लिए। और एक राहुल गांधी है जो जिस सीट पे पैदा होने के बाद एज ए राजकुमार जिस सीट से कांग्रेस जीतती रही, वहां पे एक बार क्या हार गए अमेठी से, अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। और वायनाड क्यों गए, क्योंकि वायनाड में 40% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर पूरे भारत में एक अगर सेफ सीट था कांग्रेस के लिए तो वायनाड था। यानी कि आप इतने कमजोर हैं, आप इतनी कमजोरी से भारत के चुनाव को देखते हैं, अपने परिवार को या अपने आप को देखते हैं कि इंडिया के सबसे सेफेस्ट सीट। चलिए, पिछले एक सप्ताह से मीडिया में ये चल रहा था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो चाहते थे कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े और वायनाड से प्रियंका गांधी लड़े। लेकिन फिर उनके बीच में झंझट कि अगर अमेठी से वो दोबारा हार जाते हैं, क्योंकि हारने के बाद मात्र 3-4 बार वो केरल गए हैं राहुल गांधी, जबकि अगर आप देखें तो इनके जो विपक्ष में है स्मृति ईरानी, उन्होंने वहां पे अपना घर खरीद लिया, अपने आप को वहां का वोटर बना ली, वहां पे जाके बस गई। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर अमेठी से राहुल गांधी हार जाते और वायनाड से जीत जाते तो एक भ्रम फैला देता बीजेपी कि ये साउथ में ही सिर्फ बचे हैं, नॉर्थ से ये खत्म है। अगर ये अमेठी में हार जाते और इनकी बहन अगर चुनाव जीत जाती रायबरेली से, तो ये भी डर था कि कांग्रेस पे प्रियंका का आधिपत्य हो जाता। अगर ये दोनों भाई बहन अमेठी और वायनाड से हार जाते तो ये सवाल उठ जाता है कि भाई इनका तो पत्ता साफ हो गया, ये कहीं के नहीं रहे। तो ये इतने डर गए कि इन्होंने सेकेंड सेफेस्ट सीट सेलेक्ट किया सोनिया गांधी का, जहां पे पिछली बार सोनिया गांधी लगभग 1,76,000 सीट से जीती थी और पिछले इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में 3.5 लाख वोटों से जीती थी। तो ये सेकेंड सेफेस्ट सीट पे आए हैं। अब इनके कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल होगा, जो लोग 4 दिन से ढोल बाजा लेके अमेठी में बजा रहे थे, वो वही माला खुद ही पहन के रात में बौड़ा रहे थे दारू पी के। ठीक है, तो फिर आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऋषभ जी आपसे जानना चाहते हैं, ऋषभ जी ऐसे कमजोर नेता एक पार्टी को कैसे हैंडल कर सकता है जो अपने डर से चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। रोहित जी, जहां तक बात है राहुल गांधी जी के डर की, तो वो डरे नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे तो 2014 में मोदी जी भी 2 सीटों से लड़े थे, क्या वो डर गए थे, उनको डर था। ये लोग कहते थे कि राहुल जी नॉर्थ इंडिया से नहीं लड़ते, तो उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली चुना। अगर बीजेपी इतनी ताकतवर है, इन्होंने राम मंदिर बनाया है, इनका कहना है, इनका डंका बज रहा है, 400 पार आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को रायबरेली से हरा दे। और राहुल गांधी हमारे नेशनल लीडर हैं, वो पूरे देश में प्रचार करने में बिजी हैं, तो उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ना ठीक समझा। और जिनको हमने अमेठी, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिनको हमने अमेठी से टिकट दी है सर, जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं वो कोई आज के नहीं है, वो पिछले 30 साल से अमेठी में है।
राहुल गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, उनका इलेक्शन इंचार्ज होते थे, उनकी अमेठी में बहुत पैठ है। और मैं विश्वास के साथ बताना चाह रहा हूं कि वो स्मृति ईरानी को बहुत भारी मतों से हराएंगे। ठीक है। अच्छा ऋषभ जी, आप मुझे बताइए, इलेक्शन शुरू होने के पहले ही, जब पहले चरण का जब बीजेपी ने अपना सीट अनाउंस किया था, तभी उन्होंने निकाल दिया था कि वो राहुल गांधी से भी बड़े नेता होगा। इस बात को स्पष्ट कर दे, आपके आते हैं, अगर वो राहुल गांधी से बड़े नेता है तो अलग बात है, लेकिन अगर राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है तो इस बात को जान लीजिए, राहुल गांधी खुद हारे थे अमेठी सीट, इस बात को भी आप याद रखिए, भूलिए मत। ऋषभ जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मोदी जी का तो सीट बहुत पहले से अनाउंस है कि वो बनारस से लड़ेंगे, तो अगर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट थे तो लास्ट मिनट में आज सुबह, आज 3 बजे नामांकन का आखिरी वक्त था और आज सुबह 10 बजे अनाउंसमेंट हो रही उनके नाम का, तो वो जाके लड़ लेते ना बनारस से अगर इतनी हिम्मत थी तो। और अमेठी तो उनका अपना घर का सीट था, जैसा कि आपने कहा, तो मोदी जी क्यों सेफेस्ट सीट से लड़ते हैं, वो इतने सुप्रीम लीडर, बनारस सेफेस्ट सीट है सर मोदी जी के लिए, बनारस से, वो तो गुजरात से बनारस आए हुए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। बनारस को धर्म नगरी कहा जाता है और मोदी जी धर्म के नाम पे ही तो वोट मांगते हैं। मोदी जी की हिम्मत है, मोदी जी जाके वायनाड में क्यों नहीं चुनाव लड़ते? ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल फैसला था, खड़गे साहब का फैसला था, हमारी कांग्रेस ही इसी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का फैसला था। ठीक है, मैं आता हूं अविरल जी आपके पास। अविरल जी, कांग्रेस का कहना है कि रायबरेली कांग्रेस के अध्यक्ष का सीट था, तो अध्यक्ष पहले सोनिया गांधी थी, जब तक वो स्वस्थ थी, चुनाव लड़ती थी, तब तक वो रायबरेली से जीतती रही। अब चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष एक तरीके से राहुल गांधी है, पूर्व अध्यक्ष है, तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस का तर्क है, तो आपको क्या दिक्कत है, आप हरा नहीं सकते रायबरेली में? देखिए, दिक्कत की बात ना दिक्कत की बात कुछ नहीं है, इस बात को जान लेना चाहिए कि अमेठी से राहुल गांधी भाग गए, इस बात को समझ लेना चाहिए, इस बात को जान लीजिए। और जिस तरीके से अमेठी से वो भागे हैं, वो अब सबको नजर आ रहा है, ये क्यों भागे, इन्हें हार का डर था, ये इसलिए भागे, और वहां जहां भागे हैं वहां से भी इनकी जमानत जब्त होना तय है, और वायनाड से भी इनकी जमानत जब्त होना तय है, इस बात को आप समझ लीजिए। पिछली बार जो हाल अमेठी में हुआ था वही हाल सब जगह होगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मीडिया को लोग दोषी ठहराते हैं कि मीडिया जो है वो बीजेपी के लिए या गोदी मीडिया हो गई है। अब हम करें तो करें क्या, राहुल गांधी जिस तरीके से वायनाड गए हैं ड्रामेटिकली, रात भर ड्रामा होता रहा, कई दिनों से ड्रामा होता रहा कि वो अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, और अब पता चल रहा है कि चूंकि इनके सर्वे के हिसाब से, इंटरनल सर्वे के हिसाब से रायबरेली अभी भी कांग्रेस के लिए गढ़ है, तो इन्होंने फिर वही सेफर सीट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मीडिया इनकी कितनी बचाव कर सकती है? देखिए, मीडिया इसलिए सवाल उठा रही है कि रायबरेली से सोनिया गांधी जी सांसद रही 2006 से लगातार, और जब रायबरेली से सोनिया गांधी जी खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो जो पार्टी ने अपने तर्क दिए कि उनका निजी कारण है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जब राहुल गांधी जी रायबरेली से आए तो एक सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी की जो पारंपरिक सीट रही है वो रही है अमेठी, और अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, तो जब रायबरेली से, और वो भी नामांकन के अंतिम समय में आप कहे कि उनका नाम का अनाउंसमेंट होना, तो जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आ रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है, उनके कार्यकर्ता भी उत्साहित दिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है और सत्ता में दोबारा आएगी, तो एक कॉन्फिडेंस और एक कहते हैं ना कि जोश भरने वाली बात है कि राहुल गांधी का वायनाड से वापस रायबरेली आना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने जैसा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मीडिया को आरोप लगा के या ईवीएम को आरोप लगा के चुनाव परिणाम में जीत कैसे परिवर्तित होगी, ये अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही वहां जनता को ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। लेकिन जहां तक मीडिया को बदनाम करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि
आज के समय में कोई भी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनको अगर फायदा किसी चीज में दिख रही है, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है कोई, तो उसके फेवर का पत्रकार है, और अगर उसके आइडियोलॉजी को फेवर नहीं किया तो उसके अगेंस्ट का पत्रकार है। एक चलन हो चुका है। ठीक है खुराना साहब, राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़ देना क्या दर्शाता है? देखिए इवन रायबरेली भी सेफ नहीं है उनके लिए। कारण आप 2006 से अभी तक देखो, खुद सोनिया गांधी लड़ रही हैं और इसमें उनका मार्जिन कम होता जा रहा है। आप देखिए इस बार पिछली बार भी 1,00,000 वोटों से वो जीती थी, जो कि मार्जिन इतना कम हो रहा है। रिस्क इतना जबरदस्त है राहुल गांधी के लिए दोनों जगह पे कि आप ये देखो कि कांग्रेस में हलचल मची हुई है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी इस पूरे कश्मकश में एक बात बताने जा रहा हूँ। 4 तारीख के बाद खड़गे जी एक्स प्रेजिडेंट हो जाएंगे कांग्रेस के। इतनी जबरदस्त कश्मीर वहां चल रही है कांग्रेस के अंदर खलबली। इसी चक्कर में रायबरेली और उसमें कुराना जी बिल्कुल हो सकता है एक्स प्रेसिडेंट हो जाए और करंट प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। अच्छा वेरी गुड डॉक्टर राहुल, राहुल के होते हुए वाइस उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो आप? धीरे बोलो। नहीं नहीं कुराना जी, कांग्रेस पार्टी में किसी का प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अधिकार नहीं है। वो 4 तारीख को जब हम इंडिया गठबंधन जीतेगा, हम मिलके तय करेंगे जो भी होगा, हम उसे बढ़िया से देश को सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री देंगे, उसकी चिंता आप लोग ना कीजिए। रोहित जी एक सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, वैसे दिन में चार चौपार का सपना, वही चार चौपार का आप लोग बहुत अच्छा सपना देख रहे हो, जल्दी टूटने वाला है। ऋषभ जी 400 पार कह रहे हैं, जनता 500 पार कह रही है, जनता का नारा है, जनता की ओर से कहा गया है, नहीं है बीजेपी का नारा तो 600 पार भी हो सकता है, वो लोग थोड़ी नेपाल पाकिस्तान से भी सीट ला सकते हैं। 400 पार जनता कह रही है, 500 पार और 500 पार होगा, इस बात को आप जान लीजिए। 4 जून को 2 बजे कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ऋषभ जी, अगर मान लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज है, आपके शो में ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि खड़गे जी इसका इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, चेहरा है, ऐसा ऋषभ जी ने बोला है प्रवक्ता ने। ठीक है। अब राजीव जी और बीजेपी की तो आदत है बातों को घुमा के बोलना, मैंने ऐसा तो कहा नहीं, मैंने कहा हो सकता है, आपने जैसे कहा वो एक्स प्रेसिडेंट हो सकते हैं, मैंने कहा वो करंट प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है मेरा ये सवाल है आपसे कि मैंने कहा एक्स प्रेसिडेंट हो सकते हैं, मैंने कहा एक्स प्रेसिडेंट होंगे, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। आपकी और मेरी बात में बहुत फर्क है राजीव जी। ठीक है अभी मुद्दे पे आते हैं। अगर राहुल गांधी एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि वायनाड से जीत जाएंगे और रायबरेली से जीत जाएंगे, तो किस सीट पे रहेंगे आप? भारत में तो एक ही सीट पे रह सकते हैं, आप 2 सीट पे तो रह नहीं सकते, कौन सा सीट छोड़ेंगे? रोहित जी चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी इस बारे में विमर्श करेगी, विचार करेगी, और जिस सीट पे राहुल गांधी जी को लगेगा कि वो रहना चाहते हैं वो उसी सीट पे रहेंगे। ठीक है, तो फिर वो तो किसी ना किसी एक प्रदेश की जनता के साथ तो धोखा होगा ना। रोहित जी जब 2014 में मोदी जी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और वो वडोदरा की सीट छोड़कर बनारस की सीट से एमपी रहे, तो मतलब उन्होंने गुजरात की जनता के साथ धोखा किया है। लोग तो यही समझते होंगे ना जहाँ पे उन्होंने सीट छोड़ा था। मुझे फिर तो बात ठीक है जी, पर ऐसा कुछ नहीं है रोहित जी, इस देश में पहली बार नहीं हुआ है कि कोई एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है। वो एक जातीय और क्षेत्रीय समीकरण होता है पार्टी में, पार्टी वर्कर में उत्साह पैदा करने का तरीका होता है। ऋषभ जी देखिए एक बात तो कोई भी पॉलिटिकल समीक्षक बता सकता है कि राहुल गांधी का वायनाड से इलेक्शन जीतना लगभग तय है, तो वो अमेठी पे रिस्क क्यों नहीं लिए? उन्होंने रायबरेली क्यों गए, वो अमेठी पे रिस्क क्यों नहीं लिए? उनको डर रोहित जी राहुल जी हमारे नेशनल लीडर है, उनको सिर्फ एक सीट पे नहीं काम करना, उनको देश की सभी सीटों पे काम करना है। वायनाड से भी नहीं लड़ते, सिर्फ प्रचार करते हैं। अमेठी जीत नहीं पाए पिछली बार, और ये नेशनल लीडर इंटरनेशनल लीडर बता रहे हैं।
अविरल जी, अविरल जी आप तो ऐसे कह रहे हैं, आपके नेता कभी कोई बड़ा नेता चुनाव हारा ही नहीं। राजनीति है, चुनाव में जीत हार लगी रहती है। आप लोगों पिछली बार जनता ने आप पे विश्वास किया, अगली इस बार जनता हारते रहिए। हम क्या कह रहे हैं आपको, हम तो कभी कह ही नहीं रहे हैं आप हारते रहिए। अच्छी बात, अब हार का, अब हार का समय आपका आ चुका है। 4 जून को ये बौखलाहट है, सिर्फ 400 पार अंदर से आ रहा है मन के अंदर। आप लोगों को 150 बार पता है, पलवार बात किया उसका जवाब तो मिलेगा। परिवार सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से वायनाड से राहुल गांधी का जीतना लगभग तय था, तो एज ए समीक्षक मुझे लगता है कि उनको एक बार चांस लेना चाहिए था अमेठी से। एटलीस्ट एक मैसेज तो जाता है कि भाई वो टक्कर देने को तैयार है। रोहित जी, तो दो चीज मैं रखना चाहूंगा आपके समक्ष। पहली बात तो ये है कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है उनके सर्वाइवल का भी एक सवाल है। जिस प्रकार से वो खुद मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर और बीजेपी की सरकार 2024 में आती है तो शायद देश में इलेक्शन दोबारा ना हो, तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, जहां तक बात रायबरेली की है, रायबरेली में आपको पता होगा कि 1977 में और 1998 में कांग्रेस पार्टी हारी है। 1977 में राजनारायण ने चुनाव हराया था इंदिरा गांधी को, और 1998 में अशोक सिंह ने बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव हराया था सोनिया गांधी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की ये एक बहुत पारंपरिक और बहुत स्ट्रांग सीट रही है। 2014 के चुनाव में एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है सत्यप्रकाश जी, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, अगर खुदा ना खास्ता, अभी तो हम संभावना पे बात कर रहे हैं, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। जीतने पे तो हमने ऋषभ जी से बात कर लिया कि भाई क्या होगा, तो ठीक है इलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर वो हार जाते हैं तो क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में? अगर वो रायबरेली से भी हार जाते हैं, जो कि सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का या कांग्रेस परिवार का या कांग्रेस का सबसे सेफेस्ट सीट है वायनाड के बाद, अगर वहां से भी राहुल गांधी हार जाए तो राहुल गांधी सबसे रोहित जी मेरा एक आपसे सवाल है कि आप राहुल गांधी को जो अपनी सीट नहीं बचा पाए उनको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? क्योंकि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है और राजनीति में भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं अविरल, हाँ इसीलिए तो वो आलू से सोना निकाल देते हैं, खेत में टाइल लगवा देते हैं। अविरल जी यही तो बड़े नेता है आज के समय में। अभी 2 मिनट सत्यप्रकाश जी पूरा कर ले, फिर ऋषभ जी के पास आता हूँ। अविरल जी आपको मैं जवाब देता हूं, स्ट्रोव में कोयला डालते हैं, स्ट्रोव में कोयला डालने वाले बड़े नेता होते हैं। विपक्ष का जो चेहरा है वो राहुल गांधी ही है। आज के उनको इंटरटेनर कहे, आप उनको कुछ भी कहे, आज के समय में आप राहुल गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप मान लीजिए। अब रही बात की रायबरेली की सीट पे, मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ मैं आपको बता दूं जो फैक्ट्स है कि रायबरेली की सीट में सोनिया गांधी ने 2014 में जो कैंडिडेट बीजेपी जिनको उन्होंने हराया था करीब करीब 4 लाख वोटों से 2014 में हराया। 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी ने जो कैंडिडेट को चुनाव वहां पे हरा वो करीब करीब 2 लाख के आसपास वोटों से उन्होंने हरा। तो सबसे स्ट्रांग सीट है ये आपको मानना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है। और साथ ही साथ करीब करीब 18 वर्षों से कॉन्टिन्यूसली कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रांग जो वोट बैंक है वहां पे उसको उससे कनेक्ट रही है, गांधी परिवार उस सीट से कनेक्ट रहा, ये स्ट्रांग पॉइंट है। देखिए राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन राहुल गांधी ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि लोकतंत्र में जो बार बार भारतीय जनता पार्टी मीडिया और विपक्षी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली से भाग गए, अमेठी से भाग गए, उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रांग पॉइंट ये है कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया अमेठी से, अब राहुल गांधी वायनाड भाग गए, तो ये जो एक मैसेज है ना वहां की जनता के पास वो भाजपा कन्विंस करने में सक्सेस हो गई है। और ये फायदा और ये एडवांटेज है बीजेपी का। दस सेकेंड में फिर मैं ऋषभ के पास जाना। इस चीज का एडवांटेज लेके अगर राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी हराती तो बस यही एडवांटेज है और मोदी का एडवांटेज है बस। ठीक है खुराना साहब 10 सेकेंड। 2019, 2014 और इस बार के इलेक्शन में तीन एक चीज देखिए आप, वो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट।
क्योंकि रायबरेली में दोनों पार्टियां अपना कैंडिडेट नहीं खड़ी करती थी, इसलिए मार्जिन ज्यादा था। इस आप ये समझो उनका कैडर अगर बाहर निकला तो जो 1.5-2 लाख का गैप डिफरेंस है वो और कम होने की उम्मीद है, इसलिए सेफ सीट मानी गई है। अगर उनका कैडर बाहर ना निकला हो दोनों पार्टियों का और बीएसपी ने कुछ वोट काट दिए तो ये सीट खतरे में है रायबरेली। ठीक है ऋषभ जी अगर क्या अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से भी हार जाए जिस तरीके से पिछली बार अमेठी से हारे थे, तो अमेठी में तो कम से कम एक सीनियर लीडर एक स्ट्रांग लीडर थी स्मृति ईरानी, अगर रायबरेली से हार गए फिर तो मतलब कि बड़ी थुतु हो जाएगी राहुल गांधी की, मैं सच बता रहा हूँ। रोहित जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी से भी बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं आप अमेठी की, अमेठी का भी मैं दावा करता हूं कि किशोरी लाल शर्मा जी बहुत ही पुराने लीडर हैं, वो स्मृति ईरानी को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराएंगे। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को एक बार मौका दे के देख लिया, उनको पता लग गया कि इन्होंने सिर्फ झूठे वादे करे हैं, हमें ठगा है, अब वो वापस कांग्रेस पार्टी की ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक है अभिनव जी, आपके अमेठी वाले अमेठी के अंदर 1 लाख लोग नहीं जानते। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, जैसा कि सत्य प्रकाश जी बता रहे थे कि राहुल गांधी के यूपी के किसी भी सीट से लड़ने से पूरे कांग्रेस के अंदर एक लाख लोग अमेठी के जानते नहीं है, जो इनका अमेठी का कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को 1 लाख लोग नहीं जानते अमेठी में। तो उसका जवाब आप और मैं नहीं दे सकते, वो जनता आपको 4 जून को दे देगी कि कितने लाख लोग उन्हें जानते हैं। पश्चिम बंगाल को देने आएंगे, केरल से देने आएंगे, अमेठी के लोग ही तो देंगे वोट, वो जानते ही नहीं है। अमेठी के लोगों को पता है कि स्मृति ईरानी ने केवल झूठे वादे करके उन्हें ठगा है और वो वापस कांग्रेस पार्टी की ओर जाना चाहते हैं। और आप लोगों का जो ऑब्सेशन है राहुल गांधी जी से, उसे बंद कर दीजिए। 4 जून के बाद हमारी सरकार आने जा रही है, मैं समझ सकता हूँ हार की बौखलाहट होती है लोगों में। सरकार यहाँ तो बनेगी नहीं क्योंकि जनता आपको वोट दे नहीं रही है। सरकार भारत देश में इंडिया में ही बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की। ठीक है, अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो राहुल गांधी शादी करेंगे फिर उसके बाद? उस चीज की चिंता आप लोग मत कीजिए, वो राहुल गांधी का व्यक्तिगत फैसला है। जस्ट एज ए फनी क्वेश्चन, राजीव जी जैसे आपने कहा कि सरकार बनेगी तो मजाक तो वैसे पहले आप ही ने शुरू किया था। राजीव जी आप 10 सेकंड में जल्दी से। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि फिर आप लोग कहते हैं कि विपक्ष मीडिया पे सवाल क्यों उठाता है। ठीक है नहीं, सर्वे के हिसाब से मीडिया बात करती है ना, सर्वे में तो सर्वे तो चलिए मीडिया के हमेशा ठीक नहीं रहे हैं। ठीक है खुराना साहब 10 सेकंड। रायबरेली और अमेठी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ है, अभी भी पूरा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है आपके जोर से, पांच गुट हैं कांग्रेस के अंदर, एक गुट दूसरे को काट रहा है। इस बार इसको प्रियंका को साइडलाइन कर दिया, वरना प्रियंका 2 दिन के बाद आपको देखना कम नजर आएगी। कारण है रायबरेली के अंदर प्रियंका के पूरे पूरे चांस थे कि उसको भरना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की राय नहीं चलती, हमारे एक प्रेसिडेंट है, हमारी एक कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है, वो बैठती है, विचार विमर्श करती है। कांग्रेस अगर ऐसे ही टिकट दे दे तो मीडिया और ऑपोजिशन कहता है कि कांग्रेस पार्टी लड़ने में वो नहीं है, सक्षम नहीं है। इस बार कांग्रेस ने पूरी विचार विमर्श करके टिकटें बांटी हैं तो विपक्ष को दिक्कत है, उसके बावजूद ये कहते हैं 400 पार आने वाली है। जब इनकी 400 पार आ ही रही है, ये इतने कॉन्फिडेंट है, अविरल जी तो 500 पार के दावे करते हैं, तो ये कांग्रेस से इनका इतना ऑब्सेशन क्यों है? मैं वो 400 पार कह रहा हूँ, जनता कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अब की बार 500 पार, और वो 4 जून को दिख जाएगा। मना करो ना भाई, अगर कोई जनता आपसे मजाक कर रही है तो उसको जाके समझाओ ना, उन्हें बताइए कि 150 पे ज्यादा लंबा समय नहीं है।
सत्य प्रकाश जी, एक महीना केवल रुकना है, केवल एक महीने में पूरा फैसला आ जाएगा। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जैसा चुनाव के पहले का माहौल था 400 पार वाला, अब तो खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री या अमित शाह भी 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिए। नहीं देखिए, खराबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, हम हकीकत बता रहे हैं, और ऋषभ जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। 400 पार, मैं आपको कह रहा हूँ 500 पार, ये इंडी गठबंधन 30 सीट के अंदर सिमट कर रह जाएगा, ये पूरा इंडी अलायंस 30 सीट में। छोटी सेकंड में आपका आवाज जा रहा है, जल्दी से। नहीं देखिए, जहां तक पहले फेज के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, जो प्रचारक हैं, उनके अगर आप हौसला, जो कहते हैं ना कि प्रचार के दौरान जब आप देखते दूसरे चरण में, तो शायद उनका कॉन्फिडेंस कुछ गिरा हुआ था, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के बाद इनका हौसला फिर से बढ़ गया, और तीसरे चरण और चौथे चरण मतदान में जो आप देखेंगे, जो अभी 20 मई को जो चुनाव है, क्योंकि सबसे अधिक सीटों पे चुनाव होने 20 मई को, उसके बाद ही ये डिसाइड मुझे लगता है कि बेटर होगा हम जैसे पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट को एक बयान देने में कि भाई क्या सीटें आएंगी। एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो है पहले राउंड का और दूसरे राउंड का जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत लेट से बताया है, और उसमें 11 दिन बाद है, 11 दिन बाद बताया, और बहुत ज्यादा। रोहित जी, वो टेक्निकल सवाल है और इसका जवाब चुनाव आयोग ही आपको दे पाएगा, लेकिन पहली बार आप ये सोचिए कि इतने पैसे कर, चुनाव आयोग पे भी एक सवाल उठता है। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सिस्टम पे सवाल नहीं उठाते। चुनाव आयोग इतने पैसे खर्च कर रहा है, इतने इलेक्टोरल जो प्रचार के तंत्र है, सारी मीडिया में चुनाव आयोग का ही प्रचार है, फिर भी चुनाव आयोग अगर वोटर को बूथ पे नहीं ला पा रहा है, इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार नहीं है, कोई जनता जिम्मेवार नहीं है, चुनाव आयोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केवल आप इलेक्शन करवाते हैं, जिस प्रकार से बूथों की स्थिति है, आप बूथ पे जाइए ना, आप 44 डिग्री टेम्परेचर है वहां पे, क्या राजनीतिक पार्टी अगर पानी पिलाएगा किसी वोटर को तो आप कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, कोई बिजनेसमैन वहां पानी नहीं दे सकता, कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया हाउस पानी नहीं दे सकता, और वोटर्स आप 2-2.5 किलोमीटर पे आप जो है पोलिंग बूथ बना रहे हैं, तो ये मैकेनिकल इंपेरिकल लेवल पे रिसर्च करके भी चुनाव आयोग को कुछ काम करने चाहिए। ठीक है राजीव खुराना जी, वोटिंग परसेंटेज में कमी आने की। खुराना जी जल्दी से, आपकी आवाज लॉक है। मैं सत्य प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ, कारण जो जिनकी ड्यूटी लगी है वो बेचारे अपना वोट नहीं डाल पा रहे। देखिए, जिस वो जो टीचर है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी ड्यूटी लगी है, उसकी अपने एरिया में ड्यूटी नहीं लगा रहे, अब ट्रांसयमुना में लगा रहे हैं, वो वोट कैसे डाले आप? इंतजाम है, सिस्टम है उसके। रोहित जी, एक आपके चैनल के माध्यम से, खुराना जी मैं केवल 15 सेकंड लूंगा, आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूँ। देखिए, भारत में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग दूसरे राज्यों में माइग्रेट कर जाते हैं, उनका वोटर कार्ड, बंगाल का आदमी दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली का आदमी महाराष्ट्र पहुंच गया, झारखंड का आदमी बंगाल पहुंच गया, तो वो लोग वोट नहीं डाल पाते, वो वैसे राज्य हो, तो चुनाव आयोग को इस विषय पे कोई अल्टरनेटिव, उनके वोट कास्ट हो, इस पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये समझ गया कि उसको पैन इंडिया व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी बूथ पे वो दे सके। ठीक है, खुद आओ साहब जल्दी से। एक और ऐड कर रहा हूं, जिन जैसे बच्चे बाहर हैं जो यूएस में है, कनाडा में है, मैं वो बेचारे कहीं वोट डाल ही नहीं रहे। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मेरे बच्चे केवल यूएस में नहीं, आपका वोटर कार्ड अगर दिल्ली का है और आप मुंबई रहते हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते। मैंने आपकी बात को ऐड किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, इस पे एक प्रॉपर एपिसोड कर लेंगे। राजीव ऋषभ जी, अभी फिर कांग्रेस पार्टी एक नया राग लेकर आ गई है कि भाई ये डेटा जो है लेट से, अब ममता बनर्जी ने कहा कि वोट की चोरी हो रही है। रोहित जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, हमारा इलेक्शन कमीशन कोई किसी पिछड़े देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, और ये टेक्नोलॉजी, अगर इलेक्शन टेक्नोलॉजी से हो रहा है तो डेटा निकालने में सिर्फ 24 घंटे का समय लगता है,
और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 11 दिन में डेटा रिलीज करा गया हो, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगी ओपोजिशन, जिसमें पहले भी कई तरह के, हम सबने चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखा, उसमें गड़बड़ी देखी, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सवाल उठेंगे। ठीक है, देखिए डेटा रिलीज करने के टाइम पे तो सवाल उठेगा, बट चूंकि डेटा ऑलरेडी सेफ है, ऑलरेडी आपके आपके पोलिंग बूथ के स्टाफ ने वहां पे साइन किया हुआ है और डेटा सील्ड है, बट इतना डिले जरूर सवाल उठाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास परमिशन के लिए इलेक्शन कमीशन? ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, आपने अभी कहा ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, तो ममता बनर्जी इसके ऊपर सवाल क्यों उठा रही हैं? ममता बनर्जी को अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए, ममता बनर्जी बंगाल की चिंता कर लें, ममता बनर्जी को देखना चाहिए कि किस प्रकार से बंगाल की कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, हिंदू खतरे में किस प्रकार से बंगाल में है वो देखना चाहिए ममता बनर्जी को, सबको समान अधिकार ममता बनर्जी को देने चाहिए, ममता बनर्जी को संविधान में बिलीव करना चाहिए, इक्वालिटी में बिलीव करना चाहिए। फंडामेंटल तो भाजपा की बंगाल में सरकार बन चुकी होती, हिंदू बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, तभी बीजेपी को वहां पे करारी मात दी गई थी। चलिए मैं बताता हूँ, बताइए, जिस प्रकार से एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास हो रहा है ये सबको मालूम है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच समाप्त हो चुकी है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, सबके मुंह पर ताला जड़ रखा है। टीएमसी पिछली बार चुनाव केवल एक वर्ग के वोटों से तो नहीं जीती होगी, सभी वर्गों ने उन्हें वोट किया है तभी उनकी सरकार बनी है। ठीक है खुराना साहब, 10 सेकंड फिर कैसे वोट हो चुकी है सबको मालूम है, क्या कुछ वहां चल रहा है, बोलने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, वो सबको मालूम है। ठीक है सर, ठीक है खुराना साहब 10 सेकंड। मेरी सत्य प्रकाश जी से एक सवाल है, मान लो एक सिचुएशन ऐसी आती है गठबंधन जीत जाता है और राहुल गांधी दोनों सीटें हार जाते हैं तो क्या रहेगा? तो राज्यसभा है ना 6 महीने का, तो राज्यसभा से आ जाएंगे। ममता बनर्जी भी तो हार गई थी कल का, अभी तक ममता बनर्जी जिस चुनाव में हारी थी पुराना साहब सबसे बेस्ट का अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपने सीट पे हार गई। राजीव जी मैं कहना चाहूंगा आप चिंता मत कीजिए, राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों पे जीतेंगे। सुनिए हिंदी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट कौन है ये बता दीजिए बस, मुझे मैं जानना चाहता हूँ एक नागरिक होने के नाते कि हिंदी गठबंधन जी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दूंगा अविरल जी, हमारे इंडिया गठबंधन में एक से एक नेता है, जब 4 जून को हमारी सरकार आ जाएगी हम मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे, हमारी पार्टी में भाजपा की तरफ तानाशाही नहीं चलती है कि नितिन गडकरी को राजनाथ सिंह को किसी को इज्जत ना दी जाए, दो भाई बस लगे रहे। इंडिया गठबंधन में सबको समान अधिकार है, इंडी गठबंधन में कोई पीएम का कैंडिडेट नहीं है, कोई पीएम मटेरियल। पूरे देश ने देखा किस तरह से राजनाथ सिंह जी की बड़े स्टेज ऋषभ जी नितिन गडकरी ने आपके चिंता मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल उनका सम्मान देखा जब वो माला में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अमित शाह ने किस तरह उन्हें आग दिखा के साइड किया, वो पूरे देश ने देखा, आपको खुद भी ऐसी आ गई इस बात पे। ठीक है सत्य प्रकाश जी 10 सेकंड। देखिए रोहित जी आपने एक सवाल उठाया, हंसी तो मुझे आपकी कल्पना के ऊपर आ रही है, जो इस प्रकार की मनगढ़ंत आरोप आप लगा रहे हैं इसके पीछे कोई। देखिए कांग्रेस, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस जो है इस बात से एश्योर्ड है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीट से जीत जाते हैं चुनाव तो प्रियंका गांधी को फिर लॉन्च किया जाएगा और एक सीट से राहुल गांधी रिजाइन देंगे, वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी इनकी एक प्लानिंग हो सकती है। समय समाप्त हो रहा है मेरा, एकदम मेरा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए कि क्या राहुल गांधी डर गए हैं अमेठी सीट छोड़ने के पीछे? 100% कोई डाउट नहीं है। ऋषभ जी रोहित जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमने जो अमेठी से जिन्हें टिकट दी है वो कोई कल के हुआ नेता नहीं है, वो हमारे बहुत ही पुराने नेता है और वो स्मृति ईरानी को बहुत बड़े मार्जिन से हराएंगे। और जहां तक बात है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अपनी 2 सीटों से लड़ रहे हैं और वो दोनों भारी बहुमत से जीतेंगे। ठीक है सत्य प्रकाश जी,
राहुल गांधी डर गए हैं 10 सेकंड में, फाइनल कमेंट आपका। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी डरे, हाँ ये है कि उनको हार की डर है, तो एक ही बात हुआ ना। ठीक है अविनाश जी, जल्दी से 10 सेकंड में राहुल गांधी डर गए हैं या नहीं? अभी इन्होंने कहा दोनों सीटों से भारी बहुमत से जीतेंगे, तो सीटें बहुमत से नहीं जीती जाती हैं, सरकार बहुमत से बनती है। और इस बात को भी जान लेना चाहिए, केवल कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं इस प्रकार की बात। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी चिंता आप छोड़ दीजिए, हमारा 500 पार हो रहा है, ये जनता कह रही है, और दोनों सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, अमेठी में भी हो जाएगी, रायबरेली में भी हो जाएगी। 600 थोड़ी नेपाल और पाकिस्तान से भी नहीं रहेगा, सपने में आज सपना देखिएगा उसमें 600 आएंगी, सपने देखिएगा उसमें 600 लिखा आएगा, 600 का आंकड़ा। नेपाल के विकास की बात करिए, आप पाकिस्तान के विकास की बात करिए, आज मैं कह रहा हूँ सपना देखिएगा 600 आएंगी आपकी, करते रहेंगे भारत माता की सेवा, हम निरंतर करते रहेंगे। इस बात को जानना, भारत की बेटियों को, भारत की बेटियों का अपमान करने वालों को आप टिकट देते हैं और भारत माता की सेवा की बात करते हैं आप लोग। ठीक है इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी प्रवक्ताओं का, राजीव खुराना जी आपका भी, सत्य प्रकाश जी आपका भी, अविरल जी आपका भी, और ऋषभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन डरा है, कौन नहीं डरा है, जनता किसे डराएगी या किसे जिताएगी, किसे मजबूत करेगी, वो तो हम 4 जून को देख लेंगे। अभी तो ये जरूर है कि राहुल गांधी के यूपी आ जाने से कांग्रेस के मनोबल में थोड़ी इजाफा तो जरूर हुआ है। तो फिर कल एक नए मुद्दे के साथ आएंगे, तब तक के लिए बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, धन्यवाद।